मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में एक बार फिर उत्तर प्रदेश की कमान आ गई है। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री की गद्दी पर विराजमान होकर योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रच दिया है। बीते दिन यानी 25 मार्च को योगी ने लखनऊ के एक आना स्टेडियम में हजारों की भीड़ के बीच सीएम पद की शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। बुलडोजर बाबा का बुलडोजर यूपी में ऐसा चला कि अपराधियों के साथ भ्रष्टाचार भी साफ होता दिखता है। साथ ही पिछले कैबिनेट के कई मंत्रियों के सियासी ओहदे पर भी बाबा का बुलडोजर चल गया हो। इन्हीं मंत्रियों में सबसे चौंकाने वाला नाम दिनेश शर्मा का है। सीएम योगी के साथ 52 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की थी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के पहले कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहे बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा रहे दिनेश शर्मा की नई कैबिनेट से छुट्टी हो गई है, जबकि केशव प्रसाद मौर्य की कुर्सी को बरकरार रखा गया है। योगी सरकार 2.0 के मंत्रिमंडल में दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को क्यों अहमियत दी गई? चलिए आपको बताते हैं ब्रजेश पाठक के डिप्टी सीएम बनने के पीछे के कारण। साल 2017 में बीजेपी 15 साल बाद यूपी की सत्ता में वापस आई। इस साल सीएम का ताज योगी जी के सर पर सजा, लेकिन बीजेपी ने सत्ता का संतुलन बनाने और जातीय समीकरण साधे रखने के लिए ब्राह्मण चेहरे के तौर पर लखनऊ के मेयर रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा और ओबीसी समुदाय से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम की कुर्सी सौंपी थी। वहीं साल 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ब्रजेश पाठक ने बसपा छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। तभी उन्हें लखनऊ मध्य सीट से विधायक बनाया गया था। इसके बाद योगी सरकार के पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री बनाकर उन्हें विधायी न्याय एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग का कार्यभार सौंपा गया था। अब बीजेपी दोबारा से राज्य की सत्ता में लौटी है तो ब्रजेश पाठक का कद बढ़ गया है। उन्हें योगी कैबिनेट 2.0 में उप मुख्यमंत्री के पद से नवाजा गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है योगी सरकार के पहले कार्यकाल में विपक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि ब्राह्मण विरोधी नैरेटिव गढ़ने की कवायद की। ऐसे में विपक्ष के नैरेटिव को डिप्टी सीएम रहते हुए दिनेश शर्मा बहुत जोरदार तरीके से तोड़ नहीं सके और ना ही ब्राह्मण नेता के तौर पर अपना कुछ खास प्रभाव जमा सके। ऐसे में बीजेपी को सूबे में ब्राह्मण समाज से दमदार छवि वाले नेता की तलाश थी। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को ब्रजेश पाठक में ब्राह्मण नेता वाली छवि दिखी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। ब्रजेश पाठक शुरू से खुद को ब्राह्मण नेता के तौर पर स्थापित करने में जुटे हुए थे। कांग्रेस से लेकर बसपा और बीजेपी में रहते हुए ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों के मुद्दों पर मुखर रहे हैं। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद रायबरेली में ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के अपटा गांव में 5 ब्राह्मणों को जलाकर मार दिया गया था। इस मुद्दे पर जहां एक ओर दिनेश शर्मा इतने सक्रिय नहीं दिखे, वहीं ब्रजेश पाठक ने भरपूर सक्रियता दिखाई थी। उन्होंने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई थी। वहीं बिकरू कांड के आरोपी माफिया विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद तमाम विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण विरोधी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। तब भी ब्रजेश पाठक खुलकर योगी सरकार के समर्थन में सामने आए थे। लखीमपुर के तिकुनिया में हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं के 10वां संस्कार में ब्रजेश पाठक ने शिरकत कर उनके परिवार वालों को संतावना भी दी थी। कैबिनेट में योगी सरकार के पहले कार्यकाल में डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा की छुट्टी हो गई है। योगी और बीजेपी आलाकमान ने दिनेश शर्मा का पत्ता काट दिया है। इस बड़े फेरबदल के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर दिनेश शर्मा से ऐसी क्या गलती हुई कि उनकी कुर्सी चली गई? सब कुछ परफॉर्मेंस और राजनीतिक गुणागणित से जुड़ा हुआ है। इसके लिए भी पिछले चुनावों को याद करना होगा। पिछले 5 साल में ऐसे कई मौके आए जब दिनेश शर्मा सुस्त दिखाई दिए।
ऐसे ही तमाम कार्यों और बिंदुओं के मद्देनजर बृजेश पाठक पार्टी का एक अहम ब्राह्मण चेहरा बनकर उभरे हैं। वहीं दिनेश शर्मा का पत्ता न सिर्फ उप मुख्यमंत्री पद से बल्कि कैबिनेट 2.0 से भी कट गया। इसी के चलते बृजेश पाठक को इतनी लंबी छलांग लगाकर सीधे डिप्टी सीएम की कुर्सी सौंप दी गई। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।